आज हम लगाएंगे फाइकस की कटिंग। देखिए यार, कटिंग करता हूँ मैं आज, ये देख सकते हैं आप कितनी बड़ी बड़ी कटिंग काट सकता हूँ जो मुझे पेड़ तैयार करने हैं इस चीज के। देखिए अभी मैं काटता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा किस तरीके से लगाना है इसे। देख सकते हो आप कितनी बड़ी बड़ी कटिंग काट रहा हूँ उसकी मैं। देखिए आज ये फाइकस की कटिंग लगेगी नर्सरी के अंदर और मैं दिखा रही हूँ, वो ये बताएगा कि कैसे लगाएंगे जो है नर्सरी के अंदर, किस तरह से फाइकस की कटिंग अब लगाएगा, ये दिखाएगा। देखिए ये जो है काफ़ी बड़े पेड़ हो रहे थे और ये अब काट रहे हैं। अब बरसात में इसकी कटिंग आसानी से कैसे तैयार करेगा यह भी बताएगा। देखिए इस तरह से काफ़ी सारी कटिंग काट ली जा रही है, आप देख रहे हैं। ये पेड़ भी अच्छा हो जाएगा और कटिंग भी इससे ये तैयार कर देगा। ये देखिए देखिए अब हम इसकी और कटिंग कर रहे हैं, किस तरीके से इसकी पूरी कटिंग होती है ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से जहाँ हमें लगता है पेड़ छोटा चाहिए छोटा होगा, जहाँ बड़ा चाहिए बड़ा ही लगेगा। ये सब ठीक है, इसमें काटने की ज़रूरत नहीं है हमें। जैसे कि ये आप देख सकते हैं छोटा अलग है बड़ा अलग। ये छोटी बड़ी कटिंगें अलग अलग कर रहा है, काफ़ी सारी इसने काट के घेरी है और अब ये छोटी और बड़ी इसको सही लगाने के बिल्कुल लिए तैयार कर रहा है। आप देख रहे हैं इसको कैसे तैयार कर रहा है। देखिए इस तरह से आप जो है बरसात में अपने पेड़ से, बड़े पेड़ से कटिंग तैयार करके नया पौधा तैयार कर सकते हैं। आइए देखिए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि फाइकस की कटिंग कैसे लगेगी। आपको इतनी कम से कम इसके अंदर दवा देनी है और इसे बढ़िया तरीके से दबाना है कि इसमें बिल्कुल भी हवा ना जाए। तो मैं इस तरीके से लगाते हुए चला जाऊँगा। देखो देख सकते हो आप, डंडी उतनी ही दब रही है, जितनी पकड़ो उतनी ही दब जाए। इस तरीके से वो इस तरीके से आपको दबाना भी है कि इसमें हवा बिल्कुल ना के बराबर बिल्कुल जाए ही नहीं। हवा जाएगी तो आपकी कलम सूख जाएगी। देख सकते हैं आप किस तरीके से लगा रहा हूँ मैं। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बड़ी कटिंग लगा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं बड़ी टहनियाँ हैं तो बड़े कट्टे हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से लगा रहा हूँ, ये थोड़ी और नीचे करके कटेंगी क्योंकि बड़े पेड़ हैं। इसे भी आपको सही तरीके से ही दबाना है, जिस तरीके से पहले लगा के दिखाया था मैंने आपको उस तरीके से ही लगाना है। और थोड़ी थोड़ी दूर कट्टे रखने हैं इसके कि हवा भी जी नीचे से जाती रहे। ज़्यादा पास पास आप लगाओगे तो भी इसमें भपका हो जाता है, गलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये देखिए मेरी ये कैरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे इसके अंदर सिर्फ पानी भर के छोड़ देना है
और बाकी मैं आपको और वीडियो नेक्स्ट टाइम ऐसी ऐसी बनाता रहूँगा, बताता रहूँगा आपको। अगर मेरा चैनल आपको सही लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। देखिए ये जानकारी इसने इतनी अच्छी दी है, आप इसी तरह से पेड़ लगाएं जैसे कि हम नर्सरी में लगा रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।